हाय एवरीवन, आज हम दो स्मार्ट मॉप का कंपैरिजन करेंगे कि इसमें क्या खराबी है और उसमें क्या खासियत है। तो फर्स्ट वाला है मिल्टन का स्पॉट ज़ीरो इलाइट मॉप, जो आपको फिरोजी एंड ग्रे कलर में दिख रहा है। एंड दूसरा है गाला स्मार्टी मॉप, जो डार्क ब्लू कलर में है। पहले मैंने गाला स्मार्टी मॉप मंगाया था लॉकडाउन के टाइम, और अभी मैंने 2 दिन पहले ही मिल्टन का स्पॉट ज़ीरो मॉप ऑर्डर किया है। मैंने जब गाला स्मार्टी मॉप यूज़ किया था, तब मुझे कुछ फील हुआ था कि इसमें व्हील होनी चाहिए, वाटर निकलने के लिए आउटलेट होना चाहिए, एक डिसइन्फेक्टेंट के लिए डिस्पेंसर होना चाहिए। तो वो सब देखते हुए फिर मैंने अभी मिल्टन का स्पॉट ज़ीरो, जिसमें व्हील भी है, वाटर निकलने के लिए आउटलेट भी है और डिस्पेंसर भी है, वो मंगाया। लेकिन अब मुझे इसमें मिल्टन में क्या ख़राब लगा वो मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी ब्रांड की बुराई मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे मिल्टन का मॉप उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप ये बॉटल देख सकते हो कि ये डिस्पेंसर बॉटल का साइज़ कितना है। ये मेरी 1 फिंगर जितना है, मतलब ये बॉटल सिर्फ नाम मात्र को दी गई है। जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे लगा था कि बड़ी सी बॉटल होगी, उसमें एक बार में ही हम लाइजोल फिल कर लेंगे और वो कम से कम 20-25 दिन तक हमें फिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये बॉटल सिर्फ नाम के लिए दी गई है, इसका मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं लगा। 3-4 बार में आप इसको ख़त्म कर दोगे, तो इसको आपको फिर से ये फिल बॉटल करना का पड़ेगा। साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, तभी ये यूज़फुल होता। ये इसका पहला निगेटिव पॉइंट है। अब ये हैंडल जो आप देख रहे हो, मेन हैंडल, मेरे वाले मोप में ये काफ़ी लूज आया। मैं इसको उठाती हूँ तो ये गिर जाता है। कल मैंने पानी भर के इसको उठाया तो ये गिर गया, मतलब ये काफ़ी लूज है। अभी पानी नहीं भरा हुआ है तो नहीं गिर रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हो कि ये टाइट नहीं है। मे बी ये हर मॉडल में ऐसे नहीं होता होगा, इसमें कुछ डिफॉल्ट है तो इसलिए ये ऐसा है। उसके बाद ये साइड हैंडल जो दिया गया है, ये बड़ा नाजुक सा है। आप खुद से देख सकते हो कि मिल्टन का नाम सुन के कि अच्छा ब्रांड है, मैंने ये ऑर्डर किया, लेकिन ये काफ़ी हल्का फुल्का सा है। पता नहीं अभी कितने दिन चलेगा, देखते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत नाजुक लगा। ये थोड़ा सा स्टर्डी होना चाहिए था। देखें तो ये है अंदर से 9 इंचेस, और अगर इसकी चौड़ाई देखें तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, 9.5 इंच के अराउंड है ये। तो मुझे साइज में भी थोड़ा डिफरेंस दिखाई दिया। मिल्टन का जो मॉप है बकेट, उसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन जो गाला का है इसकी चौड़ाई ज्यादा है। जब मैं इसमें इसको पुश करती हूँ या इसको ड्राई करती हूँ तो इसमें से थोड़ा सा पानी बाहर निकलता है साइडों में, क्योंकि इसकी चौड़ाई उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन जब मैं इसको पुश करती हूँ तो इसमें से पानी बाहर नहीं निकलता। तो मुझे ये बेसिक डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी मंगाने के बाद मिल्टन से बेटर मुझे गाला स्मार्टी मॉप लगा। गाला स्मार्टी मिल्टन से महंगा भी था, ये मुझे 1400 समथिंग का पड़ा था और ये मैंने 1100 समथिंग का अमेजन से मंगाया, ये मैंने मार्केट से लिया था। तो इसमें प्लास्टिक क्वालिटी की अगर बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी दोनों की ही अच्छी है। इसका हैंडल पतला है लेकिन टाइट है और निकलता नहीं है, आप देखोगे ये फिक्स है, लेकिन ये हैंडल इजीली निकल जाता है। और मेरा ये लूज भी है, मेरे वाले पीस में अब पता नहीं कि सब में ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन काफी लूज है, मेरे लिए यूजलेस है। अब मुझे वहां पे कुछ बांध के उसको उठाना पड़ेगा। ये
एक प्रॉब्लम कल मुझे ये भी फील हुई कि जब हम इसको पुश करते हैं तो ये सुखाने वाले स्पिनर में तो अच्छे से पुश हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको धोने के लिए रिंस वाले में पुश कर रही थी तो सडनली ये ठक से आवाज आती थी। तो इसमें रॉड में भी कुछ प्रॉब्लम मुझे लगी, मुझे लगा कि मैंने अच्छे से फिक्स नहीं करी, लेकिन मैंने दोबारा फिक्स करी तब भी वो अचानक झटके से एकदम से जाती है। अब पता नहीं कि ये इसी पीस में है या सब में होता है, तो ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। मैंने मिल्टन कस्टमर केयर को भी फ़ोन किया, उसमें रिंग जाती है लेकिन कोई उठाता नहीं है। मेल किया तो मेल का भी कुछ पता नहीं चला, और अभी एट द एंड ऑफ वीडियो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे गाला स्मार्टी स्पिन मॉप ये वाला जो है जी, इसमें वाटर आउटलेट नहीं है तो आपको इसको उठा के गिराना पड़ेगा पानी को, व्हील नहीं है तो लेके जाना पड़ेगा, लेकिन ये बेसिक डिज़ाइन में भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरी राय होगी कि आप इन दोनों में अगर चूज़ करना हो तो ये चूज़ करें, क्योंकि इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा नहीं। आप ऊपर से ही अगर इसको ही बार बार फिल करना है तो आप ऊपर से ही बकेट में डाल सकते हो लाइजोल वगैरह, तो फिर इसको फिल करने का फ़ायदा क्या है। ये हैंडल फिक्स नहीं है, लूज़ है तो ये निकल जाता है। ये वाला हैंडल बहुत नाजुक सा है तो पता नहीं कब तक चलेगा। तो बहुत कुछ बनाने की कोशिश की गई है मिल्टन में, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं बनाया एज पर माई ओपिनियन। ये जो होल है ये पहले नहीं था, ये मैंने किया है आज, क्योंकि ये हैंडल तो ख़राब है, ये तो रुकता ही नहीं है, ये बार बार गिर जाएगा उठाएंगे तो ये साइड में जो होल था इसको मैंने अंदर तक दोनों साइड करके अब मुझे इसमें कुछ बांधना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये होल किया अंदर की साइड, बाहर की साइड पहले से ही था। तो ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स, आपको जो अच्छा लगता है आप खरीद सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो एक दिन में यूज़ करने के बाद ही मुझे लगा कि ये सब बस बना दिया दिखाने के लिए, लेकिन उतना यूज़फुल नहीं है। मिल्टन जैसी कंपनी से ये एक्सपेक्टेशन एक कस्टमर की नहीं होती।